एक्वेरियंस एंड वेलकम टू योर रीडिंग। इस बार मैंने रीडिंग का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है बिकॉज ऑफ सम इंटरनेट इश्यूज और अपलोडिंग में इश्यूज होने के कारण मैं मंथली वीडियोस डाल रही हूँ, लेकिन इन मंथली वीडियोस में आई एम गोइंग टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। तो सिर्फ हेल्थ वेल्थ या रिलेशनशिप नहीं बल्कि सारे एस्पेक्ट्स आपके लाइफ में क्या होने वाला है, लोग आने वाले हैं जाने वाले हैं, क्या क्या चीजें होने वाली है, सब कुछ मैं कवर करूंगी इसमें। तो आई होप ये वीडियोज आपको अच्छे लगे और इसके साथ ही प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियोज को शेयर कीजिए सबके साथ, लाइक जरूर कीजिए और रीडिंग शुरू करते हैं। तो इस मंथ मुझे लग रहा है दिसंबर का मंथ आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़े चेंजेस लेके आएगा, मैजिकल चेंजेस, और उनके साथ ही ऐसा पॉसिबल है बहुत सारी ग्रोथ जो आप चाहते थे अपनी लाइफ से वो भी हो। लेकिन इस महीने आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी किसी तरह की गलत न्यूज आपके बारे में फैला सकता है, गॉसिप किसी तरह के आपके बारे में कर सकते हैं और इसके साथ ही किसी तरह का फ्रॉड जो है वो आपके साथ हो सकता है। तो अपने इंटरनेट के पासवर्ड्स, अपने जितने भी बैंक के पासवर्ड्स हैं उनको सेफ और सिक्योर रखिए, इंश्योर कीजिए कि आप किसी के साथ कोई भी डेटा जो है वो शेयर ना कर रहे हो, अपना लैपटॉप वगैरह सब आपका अच्छी तरह इंटैक्ट हो, आपके फोन अच्छी तरह इंटैक्ट हो, सारी सिक्योरिटी जो है वो अच्छी तरह आप ध्यान में रखिए। इसलिए आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज आए आपके जॉब में, आपकी प्लेस जहां आप रहते हो या आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए तो वो चेंजेस जो है वो आपको एक्सेप्ट करने हैं और ग्रेशियसली एक्सेप्ट करने हैं। एक और चीज जो बहुत जरूरी है, इस महीने आपने किसी की भी बातों में नहीं आना है, किसी की बातों में आके कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, किसी की बातों में आके कहीं पैसा नहीं लगाना है, कहीं इमोशन नहीं लगाने हैं, तो किसी की भी बातों में इस महीने आपने नहीं आना है क्योंकि जहां बहुत सारी चीजें आपकी तरफ आ रही हैं और अच्छी चीजें होने वाली हैं वहीं किसी तरह के फ्रॉड की या किसी तरह का कोई इंसान आपका गलत फायदा उठा जाए इस तरह की पॉसिबिलिटी जो है वो भी मुझे आपके कार्ड से लग रही है। इस महीने किसी बेबी बर्थ का आप वेट कर रहे थे अपनी फैमिली में या अपने आपके ही आप प्रेगनेंसी की ट्राई कर रहे थे तो हो सकता है कि वो इस महीने हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ से कुछ लोग जो है वो रियलिटी या मेटाफोरिकली इस आपकी लाइफ से जा सकते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट चल रही थी फैमिली में किसी को या बहुत सीवियर कोई प्रॉब्लम में था तो हो सकता है कि वो इस महीने जो है वो दुनिया छोड़ के चला जाए। इसके साथ ही ये महीना जो है वो चॉइसेस का है, तो आपके पास करियर को लेकर चॉइसेस आ सकते हैं। ये हो सकता है कि आपको कहीं चेंज ऑफ प्लेस आए या आप इंडिया से बाहर कहीं जाने की ट्राई कर रहे थे तो उसके लिए वो फाइनल प्लेसमेंट आपने करना हो या फाइनल कॉल आपने लेनी हो तो आपने चॉइसेस बहुत ध्यान से करनी है और लॉन्ग टर्म का सोच के चॉइस करना है। ये जरूर देखना है कि अगर आप जो भी चॉइस कर रहे हो उसका प्रोज एंड कॉन्स क्या होने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपने चॉइस करनी है। किसी भी तरह की इंट्यूशन आपको होती है या आपका इंटरेस्ट है कुछ ऐसी चीज सीखने में जो इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करती है तो ये महीना बहुत अच्छा है उसको शुरू करने के लिए क्योंकि इस महीने आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत हाई रहने वाली है और आपकी लर्निंग जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। इसके साथ में ये महीना हेल्थ के लिए भी मुझे आपकी अच्छा लग रहा है, तो आपने अपनी हेल्थ के लिए कोई भी रूटीन अगर फॉलो करना चाह रहे हैं तो फॉलो कीजिए, वरना ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है आपको हेल्थ के लिए। ये महीना हेल्थ के लिए आपका अच्छा ही रहने वाला है ओवरऑल। इसके साथ में ही अगर आप कोई न्यू लर्निंग करना चाह रहे थे या कोई नई चीज पिकअप करना चाह रहे थे तो आपने सडनली वो चीज पिकअप नहीं करनी है। लाइक मैंने कहा कि इस महीने बहुत जरूरी है कि आप सोच समझ के ही कहीं इन्वेस्ट कीजिए या सोच समझ के ही कोई नई चीज शुरू कीजिए, तो आपने अचानक से कोई नई चीज शुरू नहीं कर देनी है या अचानक से कोई चीज में बिल्कुल अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर लेना है क्योंकि ये महीना थोड़ा सा केयरफुल रहने का डेफिनेटली है। इमोशंस अपने इस महीने आपने अपने कंट्रोल में रखने हैं, सेल्फ लव बहुत जरूरी है इस महीने आपके लिए, तो बहुत जरूरी है कि आप अपने आप के साथ कनेक्ट कीजिए और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चीजें नहीं पता है या कोई आपके साथ कुछ शेयर नहीं कर रहा है या कोई चीज है जो आपके मन में है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो तो वो कहीं लिख के एक्सप्रेस कर दीजिए। अगर आप बोलना नहीं चाहते हैं लिख के बेशक अपने पास रखिए, बेशक फाड़ के फेंक दीजिए, या फिर अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज आपसे शेयर नहीं कर रहा है तो वेट कीजिए, हैव पेशेंस और उस चीज को आप तक आने दीजिए। इस महीने आपने ये कोशिश नहीं करनी है कि मैं कोई इन्फॉर्मेशन निकाल लूं, मैं कोई इन्फॉर्मेशन फिगर आउट कर लूं, वो आपने कोशिश नहीं करनी है। इसके साथ में ही आपकी जॉब के लिए मैंने आपको बोला ऑप्शंस आ सकते हैं, चॉइसेस आ सकती है और नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है और वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी होगी, अच्छी पोजिशन होगी। जो लोग किसी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए भी ये महीना अच्छा है। बस ये केयरफुल रहना है कि किसी की बातों में आके अपने पाथ से आप डाइवर्ट ना हो जाए, जिस पाथ पे है उस पाथ पे रहें आप और उसके साथ ही आप जो सीख रहे हैं या आप जो पढ़ रहे हैं उसमें भी आप अपना पूरा ध्यान लगाएं और डाइवर्जन जो है ना वो इस महीने आपके लिए अच्छी नहीं होगी। इसके साथ ही कुछ अचानक से चीजें आपकी लाइफ में हो सकती हैं इस महीने में, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मतलब दिसंबर खत्म होते होते अचानक से कुछ चेंजेस जो है वो आपकी लाइफ में हो सकते हैं। वो चेंजेस जो है वो लॉन्ग टर्म पॉजिटिव के लिए होंगे, तो आपको ये जरूर जरूर ध्यान रखना है कि कोई भी अगर चेंज आपकी लाइफ में हो रहा है, अचानक से कोई
कोई इशू आ रहा है, अचानक से कोई चीज बदल गई है, अचानक से आपने कहीं ट्रिप प्लान की थी लेकिन वो उस तरह से हुई नहीं, या किसी तरह का कोई माइनर इशू आ सकता है ट्रैवल रिलेटेड या वर्क रिलेटेड, तो आपने उससे घबराना नहीं है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए ही है। आपने सिर्फ उसको खूब पेशेंस के साथ और प्रैक्टिकली हैंडल करना है। जब आप उसको हैंडल करेंगे तो आपको पता चलेगा लॉन्ग टर्म आपके लिए बेनिफिट था। और उसके साथ ही इस महीने ग्रोथ के चांसेस बहुत अच्छे हैं आपके लिए, तो वो चाहे आपकी फैमिली ग्रोथ हो, चाहे आप किसी को प्रपोज करना चाहते थे, आपके रिलेशनशिप की ग्रोथ हो, चाहे वो आपके फाइनेंसेस की ग्रोथ हो, हर तरह की ग्रोथ के लिए जो है ये महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। इसके साथ ही आपने ये भी ध्यान रखना है कि इस महीने सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके आपने कोई एक्शन नहीं लेना है। ड्राइविंग थोड़ी सी केयरफुल रखिए अपनी, तो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहिए, रोड पर ज्यादा ध्यान दीजिए। और ओवरऑल ये महीना मेरे को आपके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ ही आपकी जो मेंटल हेल्थ सही होने के लिए वो ये है कि आपकी जितनी भी चीजें हैं जो आप करना चाहते हो, जो आप अचीव करना चाहते हो, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए और प्रायोरिटी वाइज उन चीजों को कीजिए, लेकिन साथ में प्रोज एंड कॉन जरूर लिखिए। और जिसकी प्रोज ज्यादा है वो इस वक्त इस महीने में पिकअप कीजिए, जिसमें अगर ज्यादा प्रॉब्लम्स है वो चीज इस महीने में आप पिकअप मत कीजिए। और साथ में अगर आप कोई भी चीज करना चाहते हैं इस महीने, कोई नई चीज स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट, तो इस महीने उसके लिए रुक जाइए आप, और थोड़ा सा लुकआउट कीजिए, देखिए क्या सही है क्या गलत है, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, और उसके बाद न्यू ईयर में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। इस महीने में आपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है। जो आपका चक्र इस महीने के लिए वो है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र यहाँ चेस्ट के बीच में लोकेटेड होता है। हार्ट चक्र का मंत्र है यम। आपने कहीं पे भी बैठना है और आपने चैंटिंग करनी है यम, इस तरह से आपने चैंटिंग करनी है। और कोशिश कीजिए कि इस महीने पूरे महीने हर रोज अगर आप कर सके तो हर रोज ये चैंट कीजिए, वरना हफ्ते में एक दिन तो आप जरूर रखिए जिस दिन आप ये चैंटिंग जरूर करें। इस महीने का कलर ऑफ द मंथ आपके लिए होगा ग्रीन कलर, और नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए होगा नंबर 2। तो ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, और आई होप कि ये रीडिंग्स आपको ज्यादा पसंद आए। पूरे महीने आपको कभी भी जरूरत लगे आप इस रीडिंग को वापस आके सुन सकते हैं और अपना प्लान ऑफ एक्शन उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मैं आपके साथ मिलूंगी अगले महीने अगली प्रेडिक्शंस के साथ। चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट्स के जरिए जरूर शेयर कीजिए कि आप किस तरह के रीडिंग्स देखना चाहते हैं, ये रीडिंग्स आपके लिए कैसी रही, क्या चीजें सही हुई, क्या चीजें नहीं हुई, और कोई भी चेंजेस अगर आप चाहते हैं मैं लाऊं इन रीडिंग्स में या और कोई वीडियो शेयर करूं, तो आप प्लीज वो जरूर कमेंट सेक्शन के जरिए शेयर कीजिए। साथ में अगर आप अपनी पर्सनलाइज टैरो रीडिंग चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए या फेसबुक लिंक के जरिए मुझे उसके लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आई विल बी हैप्पी टू रीड कार्ड्स फॉर यू। इसके साथ ही इन मंथली वीडियोस के कारण मैं आपके साथ बाकी की वीडियोस भी शेयर कर पाऊंगी कि आपके कर्मास कैसे आपको इम्पैक्ट करते हैं, सोल कैसे इम्पैक्ट करती है, चक्रास क्या होते हैं, तो ये वीडियोस भी आप इस महीने देख पाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मैं आपसे मिलूंगी अगले महीने के प्रेडिक्शंस के साथ। बाय बाय।